Assalamu alaikum friends. Aaj twins ki tabiyat theek nahi thi. Unko loose motion aur vomiting wagaira ho rahi thi. Aur main bahut busy thi. Ab unko kuch khane ke liye to dena tha. Uske liye sabudana taiyar karna tha. मैं इतनी बिजी थी तो इनको संभालूँ या साबुदाना बनाऊँ, तो माशाल्लाह मेरे बड़े बेटे ने जो है वो साबुदाना तैयार किया। साबुदाने की रेसिपी बहुत ही सिंपल होती है और डायरिया में बहुत ज़्यादा मुफीद होती है बच्चों के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में बहुत सारा मदद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पानी लें, पानी को बॉईल करें अच्छे तरीके से। पानी बॉईल होना चाहिए। जब पानी अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए पानी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है, अब इसमें जो है हम साबुदाना ऐड करेंगे। साबुदाना ऐड कर दिया हमने। साबुदाना ऐड करने के बाद उसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। साबुदाना पकने की निशानी होती है कि ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में आ जाना चाहिए। हाफ टी स्पून शुगर ऐड की मिक्स करेंगे, दोबारा पकने देंगे। देखें जैसे कि ये छोटा सा बच्चा पका रहा है। थोड़े से साल डाल दिया उसमें। भाई हम लोग मिलजुल के ही काम करते हैं और मैंने अपने बेटे को छोटी छोटी रेसिपी सिखाई हुई है जो कि सबको सिखानी चाहिए। अब मेरी तो यही पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने बेटे को हर चीज़ सिखाऊँ, उसको छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें भी पकानी आनी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह पका रहा है, पक गया है साबुदाना और इतना खुश है माशाल्लाह। ये इसने पकाया अपने भाइयों के लिए और मैंने उनको खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक करें, सब्सक्राइब।